काशी का कायाकल्प करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर काशी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी काशी में वोट प्रतिशत बढ़ाने और जीत के अंतर को शिखर तक पहुंचाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं और काशी के इर्द गिर्द की लोकसभा सीटों को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े दिग्गजों को मैदान में उतार चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत काशी में लगा दी है। काशी की गली गली में केंद्र और प्रदेश सरकारों के मंत्री वोट मांग रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की जनसभाएं हो रही हैं। पिछले दो दिनों में दो मुख्यमंत्री रैली कर चुके हैं। डिप्टी सीएम और तीन केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो चुका है। यूपी सरकार के 6 मंत्री बैक टू बैक प्रचार कर चुके हैं। तो अब अगले 3 दिनों के लिए बड़े बड़े योद्धा काशी के मैदान में नजर आने वाले हैं। उस ऊर्जा के साथ दिन रात एक करके समाज को के काम में जुटूं और समाज मंगलमय रहे, सब खुश रहे, सुख शांति रहे, देश आगे विकास करे और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है उसे और ताकत प्रदान हो उस शक्ति को, और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम 400 पार करते हुए आगे। वाराणसी आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लकी सीट बन चुकी है। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी भी पूरी ताकत काशी में लगा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरा कर रहे हैं। इन दिनों 20 से अधिक मंत्रियों का दौरा जारी है। करीब 300 बीजेपी पदाधिकारी के साथ पूर्व पदाधिकारियों की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लगी है और ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि वाराणसी में वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, पीएम मोदी के लिए विजय मार्जिन को बढ़ाया जा सके। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनाया और सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। भाइयों बहनों, सोमनाथ का मंदिर। बहनों और भाइयों, ये बदलता हुआ काशी है। जब काशी बदलती है, काशी की कायाकल्प होती है, तो कायाकल्प उत्तर प्रदेश की होती है, उत्तर प्रदेश से देश की होती है। और यही कहने के लिए आए हैं। मोदी जी ने कहा है 70 वर्ष से ऊपर के हर एक गरीब को, हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाएंगे, मुफ्त में 5 लाख की सुविधा उसे प्राप्त होगी। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, बाकी बचे जितने हैं अगले 5 वर्ष के अंदर उन गरीबों के भी एक एक मकान बनेंगे। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उसी यूपी के पूरब में है महादेव शिव की नगरी काशी। वो वीवीआईपी सीट जो पूरब की पॉलिटिक्स का एपिसेंटर मानी जाती है और इसी सियासी सेंटर पर 24 का 7वां और आखिरी चरण सेंट्रिक हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो दूसरी तरफ यूपी के दो लड़कों की नजर भी मोदी के काशी पर है और इसके लिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की कल वाराणसी में जनसभा होने वाली है। और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में दोनों नेता वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। दरअसल एक तरफ 2 बार से लगातार रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज करने वाले मोदी हैं तो दूसरी तरफ 2014 और 2019 में पीएम मोदी के खिलाफ बुरी तरीके से हार चुके अजय राय, जो एक बार फिर इंडिया गठबंधन की ओर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि विपक्ष की कोशिश काशी में जीत से ज्यादा पीएम मोदी के जीत के फासले को बढ़ाने की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, पूर्वांचल में इम्तिहान, कौन मारेगा मैदान। पूर्वांचल की वो 13 सीटें जिस पर इंडिया गठबंधन की पैनी नजर है। पीएम मोदी के खिलाफ डिंपल यादव और प्रियंका गांधी के बाद
राहुल गांधी और अखिलेश यादव मैदान में उतरने वाले हैं और उन मुद्दों को भी उछालने वाले हैं जो पिछले 6 चरण में विलुप्त रहे। इसके लिए राहुल और अखिलेश की वाराणसी में संयुक्त जनसभा होगी। काशी में दोनों चुनाव प्रचार करने वाले हैं। 28 मई को काशी में साझा रैली होने वाली है। अजय राय के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीएम मोदी के खिलाफ काशी में जीत का दम भर रहे हैं और निशाने पर पीएम मोदी को ले रहे हैं। हम तो लगातार लगे हैं ना, हमारे कार्यकर्ता देखिए, हमारे दिन रात लोग लगे हैं। हमारे इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता सबसे आगे है, जनता लड़ रही है। और वो जो लीड बढ़ाने की बात करके इस बार सबसे बड़ी लीड वो वक्त बताएगा। कह तो रहे हैं कि 14 नहीं रुके, 19 नहीं रुके, 24 में क्यों रुक रहे हो भाई? बनारस में लीड है या फीड हो गया है मामला? ऐसे में अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी काशी के मैदान में उतरकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल तैयार करने वाले हैं। पूर्वांचल की जो हवा इस बार है पश्चिम से भी ज्यादा रफ्तार से बह रही है। जो शुरुआत पश्चिम से हुई थी वो आते आते यहाँ पर बलिया, गाजीपुर में किस ऊंचाई तक पहुंचेगी? और मैं ये कह सकता हूं कि जो जनता का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है, पहले चरण में जो गुस्सा दिखाई दिया था सरकार के खिलाफ, आज गाजीपुर में आकर के वो साथ में आसमान पे दिखाई दे रहा है। अब भाई और बहनों, ये जो चुनाव है ये संविधान का चुनाव है। ये पहला चुनाव है जहां बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि हम इस संविधान को फाड़ के फेंक देंगे। भाई और बहनों, ये जो संविधान है ये आपकी आवाज है और इसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने देश की जनता के साथ मिलकर बनाया। हाल ही में प्रयागराज के फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा में काफी भीड़ आई थी और इस दौरान भगदड़ भी मच गई थी। वहीं अब काशी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जनसभा को लेकर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। सपा कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रैली को विशाल बनाने के लिए पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं, लेकिन चुनौती इस बात की है क्या पीएम मोदी के खिलाफ यूपी के दो लड़के माहौल बना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा के परिणाम से ठीक एक हफ्ते पहले ईवीएम पर सियासी शोर एक बार फिर से उठने लगा है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ईवीएम की विश्वसनीयता को कटघरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के इस सियासी शोर पर अमित शाह ने भी पूर्वानुमान जारी कर दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी भी मशीन से छेड़छाड़ संभव है, तो अमित शाह ने कहा कि चाहे कुछ भी हो 4 जून को एनडीए की जीत निश्चित है। जब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है, तो अमित शाह ने कहा राहुल गांधी के लोग 4 जून को कहेंगे ईवीएम की वजह से हार। वहीं जब कांग्रेस नेता ने कहा कि ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, तो अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि हार के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे की नौकरी चली जाए और ईवीएम के साथ हार का ठीकरा मल्लिकार्जुन खड़गे पर फोड़ा जाएगा। इसी पर आपको रिपोर्ट। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है दैट कैन नॉट बी टेम्पर्ड। कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? लोकसभा चुनाव में 7वें चरण की वोटिंग से पहले ईवीएम पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। 4 जून को जनादेश सामने आने वाला है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ईवीएम कोसना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का कहना है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सिब्बल का दावा है कि हर मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। Lot of people who are saying that these machines are possibly tampered, right? So we want to make sure that there's no possibility of tampering. That's all, nothing more than that.
We are not saying that they are tampered. We are not saying that they are not tampered. Look, any machine can be tampered. ये तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered. विपक्ष के इस बयान से पहले अमित शाह भी ईवीएम को लेकर विपक्ष के एजेंडे पर सवाल खड़े कर चुके हैं। अमित शाह ने कहा, 4 जून को मोदी की विजय निश्चित है। 4 जून की दोपहर को आप देख लेना, राहुल गांधी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे हैं और हार के बाद खड़गे की नौकरी चली जाएगी। 4 तारीख का परिणाम कहता हूं, राहुल बाबा आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। तो वही पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के बयान के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। वहीं बीजेपी कांग्रेस और कपिल सिब्बल के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। मेरा मानना है कि देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम नाकाबिले भरोसा है, टेम्पर्ड किया जा सकता है, उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ईवीएम के जरिए दुनिया के अंदर कहीं चुनाव नहीं होता, ना अमरीका के अंदर होता है, ना इंग्लैंड में होता है, ना जापान में होता है, हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम से होता है और इसका हमको बहुत तल्ख तजर्बा है। चुनाव के चलते ईवीएम के ऊपर में प्रश्न उठाते जाते हैं। ये कहना कि हम प्रश्न नहीं उठा रहे हैं लेकिन मशीन में गड़बड़ हो सकती है, ये तो प्रश्न उठाना ही है। यही नेता कोर्ट के सामने भी जाते हैं, कोर्ट ने आज तक इन बातों को स्वीकारा नहीं। यही नेता ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उससे चुने जाते हैं, जीतते भी हैं, तब ईवीएम को गलत नहीं मानते। तो इस प्रकार के प्रश्न उठा उठाकर, चाहे इस रूप से या दूसरे रूप से, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष कई बार ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है। लेकिन जिस तरह 4 जून से पहले ईवीएम पर माहौल गर्म है, तो विपक्ष के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली में अव्यवस्था की कर लेते हैं। पिछले 5 दिनों से अखिलेश यादव जहां जहां रैली करने जाते हैं, उनके समर्थक प्रदर्शन और उत्पात मचा रहे हैं, जनसभा को पूरी तरीके से हाईजैक कर ले रहे हैं। अब तो आलम यह हो चला है कि अखिलेश यादव की रैली में कार्यकर्ता टेंट के ऊपर चढ़कर हंगामा करने पर आमादा है। चंदौली से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई है। जब कुछ कार्यकर्ता मंच के ऊपर चढ़ गए, तो दूसरी तरफ पटना में जिस मंच पर राहुल गांधी जनता का अभिवादन कर रहे थे, स्वीकार कर रहे थे, वो चुनावी स्टेज भीड़ बढ़ने की वजह से टूट गया। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, कैसे दो लड़कों की रैली में अव्यवस्था की पोल खुल रही है, उसकी तस्वीरें। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली में उत्पात मचाते कार्यकर्ताओं की तस्वीर देखिए। कहीं मंच टूट रहे, कहीं समाजवादी कार्यकर्ता टेंट के ऊपर चढ़ गए। ये दो तस्वीर इंडिया गठबंधन की रैली में अव्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। जब पटना में राहुल गांधी की रैली के दौरान अचानक मंच टूट गया, तो चंदौली में अखिलेश यादव की रैली के दौरान समाजवादी पार्टी समर्थक टेंट के ऊपर चढ़ गए
और हंगामा करने लगे। ये तस्वीर किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं कार्यकर्ता उत्पात मचाने लगते हैं। अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं कार्यकर्ता जूते चप्पलों की बारिश करने लगते हैं, और जब इससे भी दिल नहीं भरता तो जिस मंच से अखिलेश भाषण दे रहे होते हैं कार्यकर्ता उसी मंच के टेंट पर चढ़कर हंगामा करने लगते हैं। अखिलेश की रैली में अव्यवस्था की पोल खोलती ये चार तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर 19 मई की है जहां फूलपुर में जबरदस्त हंगामा हुआ। दूसरी तस्वीर 20 मई की है, तो वहीं 21 और 22 मई को भी आजमगढ़ में कुछ ऐसा हुआ कि पीएम मोदी भी चुटकी लेने से नहीं चुके। मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे, तो मैंने पूछा भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। कहीं टेंट के ऊपर चढ़कर कार्यकर्ता पूरी रैली की बैंड बजा रहे हैं, तो कहीं मंच पर जरूरत से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ राहुल गांधी को लड़खड़ाने पर मजबूर कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या इस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी जनता और देश को संभालेंगे जिस तरह के दावे वादे हो रहे हैं, या फिर हुड़दंगी कार्यकर्ताओं के सामने यूं ही सरेंडर कर देंगे जैसा इन दिनों रैलियों में नजर आया।